பாலிடானாவை பாதுகாப்போம் சிகேஜியை விடமாட்டோம் ஜெய் ஜெயகி ஜெய் ஜெயகார் ஜெய் ஜெயகி ஜெய் ஜெயகார் ஜெய் லோகி ஏயி புகார் சிகேஜி கோ தோ சம்மான் ஜெய் லோகி ஏயி புகார் சிகேஜி கோ தோ சம்மான் तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए जय भवानी जय शत्रुंजय हमारा है प्यारों से भी प्यारा है जब तक सूरज चांद रहेगा जय सच्चिदानंद नाम रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा जय सच्चिदानंद नाम रहेगा गली गली से इस बार जय धर्म की जय जयकार गली गली से सभी लेकिन्द्र எல்லா ஆன்மீக சக்திக்கும் வணக்கம். இந்த சபையின் மூலமாக தெரிவிப்பது ஏனென்றால் 1947 ஆண்டு நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது இல்லையா? அந்த சுதந்திரத்தில் மகாத்மா காந்தி உபயோகித்த சஸ்திரம் என்ன, அஸ்திரம் என்ன, துப்பாக்கியா? அந்த சஸ்திரம் என்ன? அந்த சஸ்திரம் தான் அகிம்சை. அந்த அகிம்சை என்ற சஸ்திரம் மூலம் ஏது? அந்த மூலம்தான் நம்ம 24 தீர்த்தங்கள். அந்த 24 தீர்த்தங்களில் 20 தீர்த்தங்கள் மோட்சம் அடைந்த இடம்தானே அந்த சம்மேத் சிகரம். அந்த சிகரத்தை, அந்த புனிதமான இடத்தை இன்றை ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலமாக மாற்றினால் நாங்கள் எந்த விதமாக ஏற்றுக்கொள்வோம்? ரத்தம் துடிக்கவில்லையா? மனம் தவிக்கவில்லையா? அந்த ரத்தம் துடிப்பு மனம் தவிக்கதான் இந்த போராட்டம் ஒரு நிதர்சனம். இந்த போராட்டம் எந்த விதமான முறை இல்லாமல் அகிம்சையில் நடக்கின்ற போராட்டம். இந்த போராட்டத்தில் நம்ம முடிவு வர்ற வரை நம்ம போராட்டம் நடக்கும் 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 என்று தெளிவளிக்கிறேன். ये नोटिफिकेशन जो थी उसमें जो भी जैन धर्मावलंबियों की तीर्थ क्षेत्र को लेके चिंताएं थी या जो भ्रांतियां थी वो इसमें सभी इसमें सम्मिलित कर दी गई है, इसको दूर कर दी गई है। जो भी क्षेत्र है उसको टोटली सेक्रेट जाहिर किया गया है, पवित्रतम स्थल जाहिर किया गया है। जो 20-20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है समय शिखर जी जैनों के लिए और पूरे भारत के लिए श्रद्धा का स्थान है उसको पवित्र जाहिर किया गया है। इसके अंदर कोई भी अभक्ष पदार्थों का सेवन न हो, मांसाहार न हो, ये सब हमारी जो मांगें थी वो भी सरकार ने लागनी से जैन धर्म की जो लागनी है वो सुनकर तुरंत ही एक्सेप्ट कर ली है। और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से जो भी इसमें आगे प्रश्न आए उसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया है और टेक्निकली जो पैरा नियमावली 3 है उससे भी ये पूरे पारसनाथ हिल को एक्सक्लूड किया गया है। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े विजय भवानी